Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Instruction issued by the Revenue Department needs to be aligned with the decision taken by the court and the position of the law as declared by the judgment. ये दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ हीरो मोटर कॉप के. उनका केस था कुछ सैंडविट यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग. तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरफ से वो अलाइंड होने चाहिए जो भी कोर्ट के डिसीजन है और जो लॉ बोलता है उससे जजमेंट अलाइन होना चाहिए. एसएससी अलाउड टू रेक्टिफाई द बोनाफाइड एरर कमिटेड इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म एंड जीएसटी रिटर्न फॉर FY 2017 to 2020. ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ विप्रो लिमिटेड के अगर जीएसटी के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं पहले तो वो डिपार्टमेंट को अलाउ करना चाहिए कि जो भी मिस्टेक्स है बोनाफाइड एरर्स है वो उसको रेक्टिफाई कर सके फॉर द पीरियड 2017 to 2020. इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑडिट स्क्रूटनी एंड अदर फंक्शंस अंडर जीएसटी फॉर अवॉइडेंस ऑफ अनड्यू हरासमेंट टू द टैक्स पेयर्स. ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड स्क्रूटनी अंडर जीएसटी. एक्सटेंडेड द एग्जम्पशन फ्रॉम द इम्पोर्टेड ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ COVID-19 वैक्सीन टिल 31 मार्च 2023. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ऑन COVID-19 वैक्सीन उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्टेड थे और गवर्नमेंट ने अभी फर्दर इसको एग्जाम्प्ट किया है टिल 31 मार्च 2023 तक. कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी अगर COVID-19 वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं तो उनको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करना नहीं पड़ेगा. बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी कमेंस फ्रॉम 31 जनवरी टू कंटिन्यू टिल 6 अप्रैल से प्रहलाद जोशी जो कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने बताया है कि जो बजट है अपकमिंग बजट उसके सेशन 31 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और 6 अप्रैल तक चलेंगे. मैंडेटरी ज्वाइंट ऑडिट टू स्टार्ट विद द बिग फॉर्म. गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि वो ऐसा इम्प्लीमेंट करेगी कि जो भी बिग फॉर्म है बिग कंपनीज है उसके लिए ज्वाइंट ऑडिट करना कंपलसरी होगा मेनली फॉर दोज कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है. सर्विस प्रोवाइडेड बाई GTA नॉट क्लासिफाइड एज क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी सर्विस. ये CESTAT ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ ऑटो कार्स के केस में. CBIC इशूड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन सर्टन सर्विसेज. CBIC ने वाइड सर्कुलर नंबर 190 जो कि 13 जनवरी को आया है उसके थ्रू क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन सर्टन प्रोडक्ट्स. CBIC issued clarification regarding GST rate classification of certain goods based on recommendation of GST Council in its 48th meeting. GST Council का जो recommendation था 48th Council meeting में उसके ऊपर CBIC ने clarification issue किया है White Circular number 189 और जो various GST थे या जो classification है like RAB classification, GST on by-product of milling of floor. तो ये सब क्लैरिफिकेशन CBIC ने इशूड किया है बाय सर्कुलर नंबर 189. ये सर्कुलर आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. डिमांड ऑर्डर नॉट सस्टेनेबल विदाउट इश्यूएंस ऑफ सो कॉल्ड नोटिस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी गिवन टू रिस्पॉन्ड. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ स्काईलाइन ऑटोमोशन इंडस्ट्री के अगर डिमांड ऑर्डर इशू किए गए हैं विदाउट इश्यूएंस ऑफ सो कॉल्ड नोटिस एंड जो टैक्स पेयर है उनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है रिस्पॉन्ड करने के लिए तो वो डिमांड ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं होएगी. तो ये थे आज के टैक्स 10. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. शेयर दिस वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल.